तुंगन जीवन सुना लागे, सुना लागे रे। तुंगन जीवन सुना लागे, सुना लागे रे। जो ना मिल सके याद वो आए, याद वो आए रे। दो ना मिल सके याद वो आए, याद वो आए। ताबीर के घर वाले भी क्या सोच रहे होंगे कि मैं अम्मी को आने से भी ना रोक सका। कितना शर्मिंदा होऊंगा अगर कुमैल ने पूछ लिया मुझसे। क्या कहूंगा उससे, क्या बोलूंगा। कोई मसला है तो आप मुझे बता सकती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जैक। आप शेयर नहीं करना चाहती तो वो अलग बात है, लेकिन अगर शेयर कर लेंगी तो दिल हल्का हो जाएगा। मेरे सीधे साधे भाई को आप बेवकूफ नहीं बना सकती भाभी। आप नहीं जानती कि आज जो भाई मुझे आपकी वजह से इंडियन ड्रामों की वैम्प नन बता रहा है, इस भाई को मैं आपके जाल में कभी नहीं फंसने दूंगी। रुशानी, कम ऑन यार, कहाँ हो तुम? I'm so sorry. I know, मैंने ऐसे लोगों के साथ ज्यादती कर दी जो मेरी मदद करना चाहते हैं। मैंने और तुमने हमें फालतू की सुना दी। I'm so sorry. तुम जानती हो मैं डिस्टर्ब था, जो कुछ भी हो रहा था उसकी वजह से। ठीक है, मुझे गुस्सा तो बहुत था तुम पे। I was sad. लेकिन जब मैंने ठंडे दिमाग से सोचा तो तुम मुझे उतने गलत नहीं लगे जितने तुम थे। आई मीन, हमने वो सब इमरजेंसी डिक्लेयर होने पे किया था, वही एक बेस्ट हल था हमारे पास। मैं हकीकत जानता नहीं था ना, इसलिए समझ नहीं पाया। और वो बिजली वालों पर गुस्सा लगता था। सालिक को तो कुछ नहीं पता, लेकिन जारा, ओ माय गॉड, वो बहुत गुस्से में, उसकी आंखों में खून उतरा हुआ है और वो सरासर तुम्हें गलत समझती है। मतलब जो मैं इतनी देर से गायब थी ना, उसके पीछे भी उसकी नाराजगी का हाथ था। I know, पर ऐसे कैसे चलेगा? देखो, मैं, सालिक, जारा, हम लोग एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं, काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हमारी। जारा दिल की बुरी नहीं है, हाँ मुंह फटे थोड़ी सी, तो वह उसकी बातें बुरी लगी होंगी, ऑफ कोर्स उसने ऐसे ही कुछ कहा था। लेकिन वो मुनाफिक नहीं है, उसके दिल में जो है वो उसकी जुबान पर। मैंने ऐसे साफ दिल दोस्तों के साथ क्या सलूक किया, सो मेरी मदद करने आए। ठीक है, फिर सजा भुगतने के लिए तैयार हो? मैं तुम लोगों की दोस्ती के काबिल ही नहीं। और सजा भुगतने की सकत नहीं है मुझे। ताबीर, ताबीर जी। अम्मी यहाँ हो? ताबीर, ये किचन में फ्रिज के अंदर आइसक्रीम का इतना बड़ा डिब्बा, ये जंबो साइज कोल्ड ड्रिंक और सारा सामान, ये कौन लेकर आया है? जरूर शफक ने जिद की होगी उससे, कुमैल से। पता नहीं कब सुधरेगी ये लड़की, एक तो हालात ऐसे, ऊपर से ये फजूल खर्चियां। वो अम्मी, भाई नहीं लाए ये सब। नहीं लाया तो और कौन लाया? ओ, सिकंदर। सिकंदर? कब और क्यों? वो अम्मी कल रात को आए थे जरीना आंटी और फरवा के रवैये पर, कॉल करके शर्मिंदगी का इजहार कर रहे थे। तो शर्मिंदगी का इजहार करने के लिए ये सब चीजें लाने की क्या जरूरत थी, फोन पे कह देते। मैंने भी यही कहा, मगर मगर क्या, ये शफक ने तो ये हरकत नहीं की। देखो ताबीर,
वो छोटी है, ना समझ है। मगर तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं वो बच्चा क्या सोचेगा। अरे नहीं अम्मी, वो तो अपने घर वालों के रवैये पर बहुत शर्मिंदा थे। बेटा, किसी की शर्मिंदगी का नाजायज फायदा तो नहीं उठाते ना। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, आइंदा एहतियात करूंगी, ऐसा ना हो। हाँ, एहतियात करना और शफक को भी समझाना। लावजह इस बच्चे का इतना खर्चा करवा दिया। वैसे ये है कहाँ? मैं जरा इससे बात तो करूं। अम्मी आप कुछ मत कहिएगा, मैं खुद बात कर लूंगी, प्लीज। ठीक है। कहाँ हो तुम लोग यार? सारा, what's wrong? कब से ढूंढ रहा हूँ यार। I'm talking to you, Zara. लेकिन मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। सालिक तुम चल रहे हो या मैं अकेली चली जाऊँ? अरे अरे क्या हो गया यार? चल रहा हूँ, just give me 2 minutes. कुमेल, तुम तो हमारे साथ चल रहे हो ना यार? नहीं, वो हमारे साथ नहीं जा रहा, सिर्फ तुम, मैं और रोशनी जा रहे। Wait. तुम दोनों के बीच में कुछ क्या हुआ? कुछ नहीं हो रहा और ना ही कुछ होगा। कुछ लोगों को अहम बनने का बहुत शौक होता है और इसके लिए वो लोगों के खलूस के जीने पे बहुत तेजी से चढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद मुंह के बल भी गिर जाते हैं, जिससे इनका चेहरा मस्क हो जाता है। एक मिनट, रिलैक्स यार। मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा यार, सब कुछ मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। आखिर हुआ क्या तुम लोगों को? ज़ारा प्लीज कोशिश करो समझने की। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ ना यार, जस्ट गिव मी अ मिनट। ज़ारा मेरी प्यारी दोस्त, बस अब गुस्सा छोड़ भी दो। आई कांट हेल्प इट, उस दिन जो इसने किया, हमारी तो बात ये साहब समझने को तैयार ही नहीं थे, हम ही गलत लग रहे थे ना इन्हें। अब तुम भी वही मिस्टेक कर रही हो, वही गलती दोहरा रही हो जो इसने की। कम ऑन गाइस, यार एटलीस्ट मुझे बताओ तो यार, टेल मी समथिंग, चल क्या रहे आखिर? वो तुम इन दोनों से ही पूछ लो, मेरे पास ज्यादा फालतू टाइम नहीं है। ज़ारा, ये सिकंदर भला कब से पढ़ने लगा? सिकंदर भाई कब बोला मैंने? जब बोला। कब बोला? मैं उससे मोहब्बत करने लगी हूँ सारा। व्हाट? रोशनी तुम होश में तो हो? तुम्हारा आपस में बहुत क्लास डिफरेंस है, बहुत वाजे डिफरेंस है। अरे वाह, इसका मतलब मेरे तो मजे आ गए। क्यों फरवा, तुम्हें क्यों मजे आ रहे हैं? मेरे मजे इसलिए कि भाभी को जब इतनी अच्छी कुकिंग आती है तो बाद में वो सारे खाने घर पे बना लेंगी, हमें बाहर जाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? जो ना मिल सके याद वो आए रे, जो ना मिल सके याद वो आए रे। बड़ी, अरे बड़ी भाई खाना दे दो, बहुत भूख लग रही है। मिल गई फुर्सत खाने की, जाओ फ्रेश हो जाओ, आज मैंने टींडे बनाए हैं। मैं नहीं खा रही कोई टींडे शींडे, वो पिज्जा स्पेगेटी कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम सब ले आओ। और ये सब कुछ आया कहाँ से? अरे अम्मी कल लेट नाइट भाई से मंगवा लिया था। अच्छा, भाई से मंगवाया था। शर्म नहीं आती भाई का खर्चा करवाते हुए? एक तो वैसे ही इतनी तंगी है, ऊपर से ये तुम्हारी फजूल खर्ची है। अरे अम्मी वो पैसे वगैरह थोड़े को खर्च हुए, वो तो भाई के पास फ्री के कूपन थे ना, तो वो उनसे मंगवा लिए। अच्छा, जब इतनी अच्छी अच्छी चीजें आई गई हैं तो मेरा ख्याल से अब फैसला हो जाए। बुला लो तुम भाई को, बुला लो,
क्योंकि उसके बगैर तो मेरे हलक से कुछ उतरेगा नहीं नीचे। अरे अम्मी छोड़े ना, अभी उनकी पढ़ाई का हर्ज होगा। ये लो और सुनो इनकी बात, ये सिकंदर भला कब से पढ़ने लगा? सिकंदर भाई कब बोला मैंने? जब बोला। कब बोला? काश के तुमने नादान नादिया देखा होता, उसमें तो नादिया नादान थी। मगर तुमने ये नादानी किस खाते में की है ये बताओ जरा। अम्मी यह क्या बोल रही है, एक लफ्ज भी पल्ले नहीं पड़ा मेरे। अभी कान के नीचे रख के लगाऊंगी, सब पल्ले पड़ने लगेगा और सब उगल दोगी। ओ तो ये बड़ी ने सारा राज फाश किया है। देखिए ना, जरा सी बात पेट में नहीं रहती, ससुराल जाके फरवा का मुकाबला कैसे करेगी? अल्लाह ना करे कि उसे वहां जाके किसी का मुकाबला करना पड़े। जो मुंह में आता है बकती चली जाती। अरे अम्मी मैं तो फरवा की उल्टी सीधी हरकतों की वजह से बोल रही थी। अब तुम क्या छुप छुप कर देख रही हो? खाना लाओगी या मैं अम्मी की थप्पड़ों से ही अपना पेट भर लूं? अभी कहां मारे थप्पड़ मैंने? कोई थप्पड़ों की बारिश महसूस की तुमने? अभी तो सिर्फ गरज चमक के साथ बादल जमा हुए। अम्मी भागिया से बात है। क्यों इस बेचारी को कुमैल का मुंह समझ के नोच रही हो? रोशानी तुम्हें मजाक सूझ रहा है, मुझसे अभी भी उसकी की हुई बेइज्जती भुलाई नहीं भूल रही है। एक दफा उसने हमारी बात सुनने की जहमत नहीं की, हमें घर के अंदर तक नहीं बुलाया। अच्छा तो ये असल मसला है, तुम्हें इस बात का बुरा लग रहा है कि उसने तुम्हें अपने घर के अंदर तक नहीं बुलाया? कहीं ऐसा ना हो एक घास की जगह मैं तुम्हारा मुंह नोच लूं। स्टे अवे, अपने ये डायनो वाले नाखून ना मुझसे दूर रखो, मेरा हसीन चेहरा खराब हो जाएगा, अभी मेरी शादी भी नहीं होगी। डायन मैं सीरियस हूँ रोशाने। तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्यों वाई सो सीरियस? हमने उसकी सच्चे दिल से मदद करने की कोशिश की, उससे तो उसकी झूठी अन्ना को ठेस ही पहुंच गई। देखो मैंने सालिक को सारा मामला नहीं बताया, मतलब हो सकता है इससे कुमैल हर्ट हो, तो प्लीज तुम भी ना अपना चैटर बॉक्स बंद रखना। सालिक से पहली दफा हमने झूठ बोला, वो भी कुमैल की वजह से। फिर वो बीसी वाली बात, ओरिजिनल कपड़ों को फर्स्ट कॉपी कह के देना, मुझे नहीं पता तुम ये कब तक चला सकोगी और तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या है मेरी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मैं उससे मोहब्बत करने लगी हूँ सारा। व्हाट रोशानी तुम होश में तो हो? तुम्हारा आपस में बहुत क्लास डिफरेंस है, बहुत वाजे डिफरेंस है। उसके अलावा तुम लोगों का रहन सहन हर चीज, नो वे। मैंने उसे झूठ बोला कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ यार, और उसके साथ किसी भी सिचुएशन में रह सकती हूँ। एक छोटी सी बात के लिए उसने हमारी ये दुर्गत बना दी, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये सच जानने के बाद वो तुम्हें माफ करेगा? तो क्या करूं, और ये तबकाती फर्क मैंने तो पैदा नहीं किया ना, ये सोसाइटी, ये स्टेटस, मैं अपनी मर्जी से अमीर घर में पैदा नहीं हुई, तो मैं इसकी सजा क्यों भुगतूं? माय डियर फ्रेंड, मैंने उस दिन भी तुम्हें ये बात समझाई, ये जो गरीब लोग होते हैं ना, अपने साथ हुई भी हर ज्यादती का जिम्मेदार अमीरों को ठहराते हैं। तुम्हें तो मेरी बात समझ ही नहीं आती, हम उसकी मदद करने गए थे और उसने हमारी ये दुर्गत बना दी, हमारी लड़की होने का भी कोई एहसास नहीं किया उसने। बड़ी सेल्फिश हो यार तुम, यहाँ मेरी जिंदगी का सवाल और तुम्हें अपनी दुर्गत याद आ रही है। ओ हेलो, जिस खड़ूस और जिस बात से आ रही इंसान से तुमने दिल लगाया ना, दुर्गत तो बेटा तुम्हारी भी बनेगी। डराओ नहीं यार, अगर हेल्प नहीं कर सकती ना तो अपना मुंह भी बंद रखो। अच्छा उसके लिए तो फिर कुछ खिलाना पड़ेगा। या खुदाया, सारे बुक्कड़ मेरे ही नसीब में। चलो मरो कैंटीन। ओहो आज के कोई पीसी निकली है फिर से? आ रही हूँ रुको।
अरे भाई किसका फोन आ गया, एक तो कोई आराम भी नहीं करने देता। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं फरवा बात कर रही हूँ। फरवा, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो और आंटी कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, तुम्हें बताओ घर में सब कैसे हैं? भाभी कैसी हैं? वो बिल्कुल ठीक है, बस अभी आराम फरमा रही, अभी सो के उठेंगी, फिर चाय पियेंगी, अपने पौधों को पानी डालेंगी और अपने बर्ड से बातें करेंगी, बस यही है मेरी बहन की जिंदगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ भाभी ने आज दोपहर के खाने में क्या बनाया था? हाँ बताती हूँ ना तुम्हें मैं, आज उन्होंने हमें पिज्जा, स्पेगेटीज और आइसक्रीम खिलाई है। अरे वाह, इसका मतलब मेरे तो मजे आ गए। क्यों फरवा, तुम्हें क्यों मजे आ रहे हैं? मेरे मजे इसलिए कि भाभी को जब इतनी अच्छी कुकिंग आती है तो बाद में वो ये सारे खाने घर पे बना लेंगी, हमें बाहर जाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? नेटवर्क भी ना। पिज्जा, सैलड, अब बताती हूँ। ये क्या हरकत थी बड़ी? अरे छोटी, सिकंदर ने घर में बताया है भी के नहीं, और वो फरवा वो तो बिला वजह की जासूसियां करती है। अरे तुम तो ऐवें ही डर रही हो, मैं बस उसको चिढ़ा रही थी। मैं भी तो यही कह रही हूँ, सिकंदर बताए तो ठीक है, हमें बताने की जरूरत नहीं। अरे भाई मुझे ये बातें नहीं समझ आती। मेरी सादा सी मासूम सी अम्मी, ये जो आपके आगे बिल पड़ा हुआ है ना, इसको जरा गौर से देखें। सेम ऑर्डर, जो बहुएं रात को छुप छुप के खाने खाती है ना, वो सासों को दिन में तारे दिखा देती हैं। बस मैं ये चाहती हूँ कि अगले महीने हम अगर बच्चों की शादी कर दें तो बेहतर होगा। शादी अगले महीने? मगर ये कैसे मुमकिन है? वो बात दरअसल ये है कि सिकंदर के ऑफिस वाले अगले महीने उसको एक साल के लिए दुबई भेज रहे हैं। और शादी के बाद ताबीर वहां पर अकेली रहेगी। खैर सोच समझ के फैसला कीजिएगा। मैं और एक काम आपने अच्छा किया कि आपने चाचा का जिक्र कर दिया, उनसे मशवरा तो लेना ही चाहिए। जो ना मिल सके याद वो आए रे, जो ना मिल सके याद वो आए रे। सिकंदर बेटा ऑफिस के काम ऑफिस में छोड़ते हैं, चलो छोड़ दो फोन ये। अरे ईमेल। अरे रहने दो, फरवा कहाँ रहेगी? फरवा मैं बार बार खाना गरम नहीं करूंगी बेटा, जल्दी आ जाओ। तो भाई लड़की से शुक्र बेटा। ओहो भाई के कपड़े लेने गई थी, आपने तो कहा था धुलने के लिए डालने, अब बगैर चेक किए तो नहीं डाल सकती थी ना। तो ये खाने का बिल मिला है उसमें से, देखें। ये कौन सी अनहोनी बात हो गई, लंच का बिल होगा ना? अरे नहीं नहीं कल रात का है, वो भी लेट नाइट का। कहाँ गए थे भाई? कहीं नहीं, तुमने जो गलतफहमी हुई होगी। अरे क्या गलतफहमी, ये देखें खुद देख ले, टाइमिंग डेट वगैरह सब लिखा हुआ है। दिखाओ मुझे, फजूल बातें लेके बैठ गए तुम लोग खाने के टाइम पे। चलो खाना खाओ। वैसे मेरी ना तफक से बात हुई थी, कल तो बड़े मजे मजे के खाने खाए उसने, बताया आपको? अच्छा ताबीर से बात हुई होगी? नहीं भाभी तो सो रही थी, देर तक जागी होंगी ना रात को इसलिए। शफक बता रही थी उन लोगों ने ना दोपहर के खाने में पिज्जा, सैलेड और वो कौन सी ब्लैक करंट आइसक्रीम खाई थी, मजे है भाई। हाय मेरे तो नसीब जाते, इतनी सिली का होशवार मुझे बहू मिल रही है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अब क्या पता नसीब आपके जागे हैं या किसी और के। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा हीरे जैसा भाई मिल रहा है उनको, तो नसीब तो उनके जागे ना। अरे तुम खाना तो खाओ बेटा, कहाँ जा रहे हो? मैं थक गया हूँ, बस कमरे में जाऊंगा। आप प्लीज अपना खाना फिनिश कर लो, तो उसके बाद मुझे एक कप चाय दे दीजिएगा। चलो ठीक है।
फरवा क्या जरूरत है तुम्हें बचकाना बातें करने की है? कौन सी बचकाना बातें? मैंने ऐसा क्या कह दिया जो उनके हलक से निवाले नहीं उतर रहे? यही खाने का बिल, क्या जरूरत है तुम्हें पूछने की? अम्मी जो बातें आपको पूछनी चाहिए ना वो मुझे पूछनी पड़ रही है। भाभी ने दोपहर में खाया पिज्जा सैलेड आइसक्रीम, वो भी ब्लैक करंट। तो खाया होगा, हमें क्या? मेरी सादा सी मासूम सी अम्मी, ये जो आपके आगे बिल पड़ा हुआ है ना इसको जरा गौर से देखें। सेम ऑर्डर, जो बहुएं रात को छुप छुप के खाने खाती है ना वो सासों को दिन में तारे दिखा देती हैं, और उनको देखने के लिए किसी ऐनक की भी जरूरत नहीं पड़ती। हम खाए अंडा आलू, वो खा रही है पिज्जा सैलेड ब्लैक करंट आइसक्रीम। सेलफोन भूल गया था। सादा सी मासूम सी अम्मी, जो बहुएं रात को छुप छुप के खाने खाती है ना वो सासों को दिन में तारे दिखा देती हैं, और उनको देखने के लिए किसी ऐनक की भी जरूरत नहीं पड़ती। बच्चे कहेंगे कि हम सातवीं मंजिल से कूद रहे हैं तो क्या कूदने देंगे उन्हें? जो भी कहेंगे नाजायज ऐप पूरी कर देंगे हम, कभी भी नहीं। मम्मी जीते रहो बेटे, बस सब तुम्हारी नौकरी लग जाए तो हम ताबीर के भी मामलात सारे पूरे करें इंशाल्लाह। कोशिश तो कर रहा हूँ मम्मी, बस अब दुआ कीजिए। बहुत दुआएं हैं बेटे तुम्हारे लिए, बहुत दुआएं। ये सुबह सुबह किसका फोन आ रहा है? मैं देखती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब खैरियत है ना? सुबह सुबह फोन किया, सिकंदर तो ठीक है ना? अरे नहीं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। बस आपसे एक बात करनी थी। आप तो दिल दहला रही है मेरा, बताइए ना क्या बात है। देखिए मैं आपसे शादी की तारीख के हवाले से बात करना चाह रही थी। वो शादी की तारीख, वो तो बात हो गई है ना? मम्मी तसल्ली से बात करें यार, सुन तो ले क्या कह रही है आंटी। हाँ अच्छा जी। बहन मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रही हूँ कि मैंने सुबह सुबह बिला वजह आपको परेशान कर दिया। कोमल सही कह रहा है, ऐसा है कि चले मैं आपसे शाम को बात कर लेती हूँ, आप टेंशन मत लें। नहीं नहीं, शाम तक तो मेरा ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा, अभी अभी कर लीजिए बात, अभी बता दें मुझे। बस मैं ये चाहती हूँ कि अगले महीने हम अगर बच्चों की शादी कर दें तो बेहतर होगा। शादी अगले महीने? मगर ये कैसे मुमकिन है? वो बात दरअसल ये है कि सिकंदर के ऑफिस वाले अगले महीने उसको एक साल के लिए दुबई भेज रहे हैं, तो मैं चाह रही थी कि अगर उससे पहले ही मैं अपनी बहू घर ले आऊँ तो क्या ही अच्छा नहीं होगा। तो शादी के बाद सिकंदर दुबई चला जाएगा, मेरी बच्ची पीछे अकेली तन्हा रह जाएगी। वैसे भी हम कुमेल की नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं, बकरीद तक कोई बंदोबस्त हो सकता है, लेकिन अब आपने ये कह दिया। देखिए बहन, इससे पहले भी मैंने कोई आपसे तकाजा नहीं किया और ना ही अब आगे करूँगी। बस मैं तो चाहती हूँ कि आप मेरे सिकंदर के ख्वाबों की ताबीर से दे दें, कुछ और कुछ नहीं चाहिए। मगर ये सब इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है, आप खुद सोचें, हम अपनी बच्ची को खाली हाथ से नहीं बेच सकते ना कहीं।
आप उसे खाली हाथ कहाँ भेज रही हैं? आपकी तरबियत का खजाना जो अपने साथ ला रही है? ये तो आपका बड़ा फन है। खैर, मुझे फहीम भाई और नुसरत भाभी से बात कर लेने दीजिए। आप तो जानती हैं ना कि वो शफक का ससुराल है, अगर उनसे मशवरा ना किया जाए तो एक कोहराम उठता है फिर। खैर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुमैल से और उन लोगों से बात करके आपको जवाब देती हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि आपका जवाब उस पाक परवरदिगार की रजा के मुताबिक हो। लाई आमीन। आमीन आमीन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या बोल रही थी? सिकंदर के ऑफिस वाले उसको एक साल के लिए दुबई भेज रहे हैं। तो अब चला गया तो फिर वो एक साल के बाद आएगा, इसलिए शादी जो है वो अगले महीने वो कह रही हैं कर दो। और शादी के बाद ताबीर वहां पर अकेली रहेगी। खैर, सोच समझ के फैसला कीजिएगा। मैं और एक काम आपने अच्छा किया कि आपने चाचा का जिक्र कर दिया, उनसे मशवरा तो लेना ही चाहिए। वो शफक का मामला खराब कर देंगे। मैं करती हूँ बात, देखो वो लोग क्या कहते हैं। अच्छा, बिला वजह परेशान मत होइएगा, बात सब अच्छा होगा, अल्लाह बेहतर करेंगे। ठीक है, ताबीर नजर नहीं आ रही? यही कहीं होगी। ताबीर, ताबीर, मैंने जिद पकड़ी? ये सबने मिलकर सिफारिश को मेरी चिड़ बना दिया। नहीं चाहिए ऐसी नौकरी यार, किसी का हक मारूं बिला वजह? किसी का हक मारने के लिए कोई नहीं कह, लेकिन अपने हक के लिए तो एटलीस्ट बोल सकते हो ना। समीर मलामत करेगा। जलीस, वुड यू माइंड वेटिंग इफ शी वांट्स टू चेंज? व्हाई नॉट बेटा, इफ यू वांट टू कम यू मोर देन वेलकम बेटा। जो ना मिल सके याद वो आए, याद वो आए। चलो जाओ, तुम भी क्या याद करोगे किसी सखी से पाला पड़ा था। जाओ, माफ किया। ओ हेलो मिस्टर, मैं आपसे बात कर रही हूँ। सॉरी, क्या हुआ जरा बोलो। बोलती है मेरी जूती। ट्रस्ट मी, इस जूते ने आज तक नहीं बोला, कब बोलेगी मैडम? कौन क्या बोल रहा है दोबारा बोलो। ओ हेलो मिस्टर, बहुत हो गया आपका ये एटीट्यूड, चलो अच्छी सी पार्टी दो अब हम सबको। अल्लाह, कैसी भुक्कड़ है ये औरत भाई, कभी कभार घर से कुछ खा के आ जाएगा और तुम्हें खाना खाना सोचते रहते हैं। तुम क्यों इतने परेशान हो? कोई मुस्तकबिल नहीं है इस मुल्क का, देखना आने वाले वक्त में कोई ठहरने वाला नहीं है। हाँ, और तुमने भी तो पक्की जिद पकड़ी हुई है। मतलब अगर छोटी मोटी सफाई से काम बन सकता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैंने जिद पकड़ी? ये सबने मिलकर सिफारिश को मेरी चिड़ बना दिया। नहीं चाहिए ऐसी नौकरी यार, किसी का हक मारूं बिला वजह? किसी का हक मारने के लिए कोई नहीं कहे, लेकिन अपने हक के लिए तो एटलीस्ट बोल सकते हो ना। समीर मलामत करेगा मुझे। मैंने किसी बेचारे का हक मारा और सिफारिश करवाई और नौकरी हासिल। आसान होता तो कब का कर चुका होता यार, इस तंगदस्ती की जिंदगी से कब से छान छुड़ा चुका होता। कितनी जगह अप्लाई किया है मैंने, तुम जानते हो सर, हर जगह नो, नहीं भाई नहीं चाहिए आप। गोल्ड मेडलिस्ट हूं। मॉम आप लोग जाएं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। जलीस, वुड यू माइंड वेटिंग इफ शी वांट्स टू चेंज? व्हाई नॉट बेटा, इफ यू वांट टू कम यू मोर देन वेलकम बेटा। नो डैड, नॉट इन अ मूड, अब थक गई हूं तो थोड़ा रेस्ट कर लूंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जैसा अच्छा लगे। सैक, तुम मेरा तो कितना ख्याल करती हो, जरा इसका भी ख्याल कर लिया करो, कुछ हेड शोल्डर मसाज ही कर दो उसका।
मॉम मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। अरे भाई देखो भाई, दरअसल बात यह है कि मुझे और तुम्हारी मॉम को तुम्हारा कोई भी मसला हल करके बहुत खुशी हासिल होती है। थैंक यू डैड, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है। रोशाने, अगर तुम इतना स्ट्रेस लोगी ना इतनी यंग एज में, तुम्हारे बहुत जल्दी रिंकल्स आ जाएंगे। मॉम, रिंकल्स? आप लोग को लेट नहीं हो रहा? हाँ, कीज, मैं चाबियां भूला हूँ, ले आता हूँ जरा। प्लीज देख लो उसको। ओके मैम। मॉम, रिंकल्स? आप और डैड भी ना। मैं समझी नहीं। नहीं करनी हमें शादी अगले महीने, तो क्या अगले साल भी नहीं करनी? क्या दीवानी हो गई हो, बावली हो गई हो, जो मुंह में आ रहा है बके चली जा रही हो? ऐसी भी क्या बात हो गई, बच्चों को ऐसी याद आ गई हमारी कि आप हमें बुलाए चली जा रही हैं? भाभी आप लोग हमारी तरफ आ जाएं। वो ऐसा है कि मुझे और कुमेल को आप लोगों से कुछ मशवरा करना है। तो यूं कहे ना भाभी, भाई मैं तो खुदा लगती कहूंगी, मेरे बेटे का ससुराल है वो, और हम लोग समझाने का पानी भी नहीं पीते। एक्चुअली डैड मेरा एक क्लास फेलो है और वो जॉब के लिए बहुत परेशान है बेचारा। इवन दो ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट बट स्टिल जॉबलेस। गोल्ड मेडलिस्ट हो के जॉबलेस है, यही तो अलमिया है इस मुल्क का। खैर कोई सिफारिश नहीं है क्या उसके पास? इस सिकंदर को तो मैं कॉल करके इसका दिमाग अभी ठिकाने लगाती हूँ। ये किस अंदाज में गुफ्तगू कर रही हो तुम? कोई तमीज, कोई तहजीब है तुम्हें? उस घर में तुम्हारा रिश्ता हुआ, शौहर की कोई इज्जत होती है? रिश्ते सब अनजान हुए हैं, चेहरे फिर भी याद है मुझको, यादों में आबाद है अब तक, कैसे भूलेंगे हम तुझको।